अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ जो रेसिपी, उसका नाम है टिक्का चिकन, ठीक है जी, पराठा रोल या चिकन टिक्का पराठा रोल, ये भी आप कह सकते हैं। चिकन टिक्का पराठा रोल मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है, ठीक है जी। आप चाहें तो हड्डी वाला ले लें या बोनलेस ले लें, ठीक है जी, यूज़ कर लें। हड्डी उसमें से बाद में रिमूव कर सकते हैं पकाने के बाद। दही है मेरे पास यहाँ पर 1 cup दही है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर स्पाइसेस हैं जो कुछ यूँ हैं। 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon यहाँ पर मेरे पास दरा मिर्च है, ठीक है जी, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहते हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है चिकन पाउडर है 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, हल्दी पाउडर 1 teaspoon, ये मेरे पास लहसुन का पाउडर है 1 teaspoon, अदरक का पाउडर 1 teaspoon, काली मिर्च का पाउडर 1 teaspoon, सॉल्ट मेरे पास यहाँ पर 1 tablespoon है, ये मेरे पास गरम मसाला है ये 1 teaspoon है, ठीक है जी। ये स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। इस चिकन के साथ दही को ऐड करेंगे और ये सारे स्पाइसेस ऐड करके, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। चले तो करते हैं स्टार्ट। एक तेज़की में मैंने चिकन ऐड कर दिया है, छोटे छोटे पीसेस काट के, ठीक है। साथ में मैंने दही ऐड कर दी है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसको गलने के लिए ताकि ये गल जाए अच्छे से। ये मेरे पास जो दही था फ्रीज़ किया हुआ था, ठीक है जी, इसलिए वो ऐसा है। और ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे, ठीक है जी। ये मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक करना है, ना ज़्यादा स्लो करनी है ना ज़्यादा तेज़ करनी है, ठीक है जी। आंच मीडियम रखनी है और इसको कवर करके मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। तो उसके बाद ये हमारा चिकन जो है टिक्का रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 tablespoon, ठीक है जी। अब पकेगा 15 से 20 मिनट के बाद। ये हमारा चिकन अच्छे से पक गया है और बहुत ही मज़े का बना है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ये टिक्का हमारा रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 tablespoon ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसमें दही यूज़ किया होता है, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब मैं जो पराठा हमारा है और जो है पराठा रोल हम बनाएंगे उसकी टॉपिंग मैं आपको बता देती हूँ। मैंने खीरे लिए हैं बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए, अनियन लिए हैं, साथ में टमाटो केचप है और मायोनीज है, ठीक है जी। और इसके साथ ही चिकन, चिकन की टॉपिंग इसके ऊपर होगी जो हमने कुक किया है, ठीक है जी। ये चिकन उसके ऊपर टॉप पे रख देंगे और उसका रोल रेडी कर लेंगे। और इसके साथ हमें यहाँ पर चाहिए पराठा, वाइट आटे का हम पराठा बना लेंगे, ठीक है जी, और वाइट आटे की रोटी होगी। आप चाहें तो जो सिंपल प्लेन रोटी होती है घी के बगैर वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त रोल रेडी होता है। उसमें चीज़ें सारी ऐड करके आपने ऐसे रोल इसका बना लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं पराठा में ही बनाऊंगी, मैं विदाउट ऑयल की जो रोटी है उसमें नहीं बनाऊंगी। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर टॉपिंग लगाना पराठे पर। सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये खीरे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटो केचप लगाऊंगी सबसे पहले। और इसके साथ थोड़ी सी मिकदार में अबाउट 1 tablespoon ही इसके ऊपर मायोनीज लगेगी और 1 tablespoon केचप लगेगी, ठीक है जी। इसको किसी भी स्पून की मदद से हम अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे, ठीक है, और इनको मिक्स कर लेंगे एक किस्म का, इन दोनों सॉस को मिक्स करके पराठे के ऊपर लगा लेंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है खीरे की लेयर लगाऊंगी। ये मैंने खीरे जो हैं बहुत पतले पतले से स्लाइसेस काटे हैं ताकि जब आप बाइट लें तो वो बहुत ही आपको अच्छी और क्रंची सी लगे। और साथ में मैंने अनियन इसके ऊपर बारीक बारीक काट के इसके ऊपर लेयर लगा दी है। ये अब मैं चिकन जो मैंने टिक्का रेडी किया है
उसकी लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है जी, अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर लगा के। अगर तो आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग आपको पसंद है खीरों की या प्याज की, तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी, या किसी भी और चीज़ की टॉपिंग आपको पसंद हो, चीज़ ऐड करना चाहते हैं चीज़ इसमें ऐड कीजिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसको ऐसे रोल बना लेंगे, और रोल बनाने के बाद किसी भी नाइफ़ की मदद से ये सेंटर में से टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा चिकन टिक्का पराठा रोल रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, और मोस्टली हमारे घर में ये रेडी किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड होती है कि चिकन टिक्का पराठा रोल बनाया जाए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।